हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आई वॉज़ अवे फॉर सम टाइम बिकॉज इग्नू के एज सच कोई नई इम्पॉर्टेंट नोटिस अभी तक आए नहीं थे सब वही पुराने थे रिजल्ट को लेकर के प्रैक्टिकल शेड्यूल्स को लेकर के जो आई होप मैंने आप सभी को दे दी होंगे इसके अलावा आपसे कुछ भी मिस नहीं हुआ होगा मेरी सारी वीडियो में सब कुछ इंक्लूडेड था अबाउट री रजिस्ट्रेशन अबाउट जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी सब कुछ वहाँ था आई होप असाइनमेंट एंड असमेंट शीट एंड सारी वीडियोज़ को आपने देख लिया होगा एंड आप अपने काम में लगे होंगे तो आज जैसे ही थोड़ी ही न्यू इन्फॉर्मेशन आई मैंने सोचा कि आज सबसे पहला काम यही करती कि कि आपके लिए वीडियो बना देती तो जैसा कि आपको पता होगा कि आठ मई था कल एंड आपके बी के एंड बी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब हो गए होंगे तो कैसा गया जरूर बताइएगा बिकॉज बी वाले काफी सारे बच्चे इस चैनल पर हैं मैंने देखा है सो आई वॉन्ट टू नो कि उनका कैसा गया एग्जाम कैसा लेवल रहता है क्वेश्चंस में एंट्रेंस एग्ज़ाम का इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डाउट है ये चीज़ को लेकर के कि जून 2022 के एग्ज़ाम्स कब होंगे बिकॉज अभी मई आ चुका है मई का सेकेंड वीक भी अब चालू हो चुका है जहाँ तक हमको बोला गया था कि मई के सेकेंड वीक से हमारे एग्जाम फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं तो कब रिलीज़ किए जाएंगे एंड एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे कि नहीं एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होंगे ऑफलाइन मोड में होंगे ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वो बच्चे जो फ़िलहाल अभी अपना एग्जाम देकर के आए होंगे बी नर्सिंग का वो इस पोर्टल पर आ जाइएगा और अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा ठीक है ये देखिए यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर फिल कर लीजिएगा एंड उसके बाद अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा आई रियली डोंट नो कि ये पोर्टल अभी वर्किंग है या नहीं बिकॉज मेरे पास अभी ए सैम्पल इनरोलमेंट नंबर किसी का है नहीं फिल करके देखने के लिए आप एक बार टेस्ट कर लेना कि ये पोर्टल वर्किंग है कि नहीं आई थिंक सो कि ये पोर्टल जारी कर दिया गया है इसका मतलब कि ओपन हो गया होगा आप एक बार अपना इनरोलमेंट नंबर अगर आपने एग्जाम दिए हैं रिजल्ट देखना है तो जरूर चेक करके देखना दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड अगर इस वाले में नहीं भी हो पाता है देन रेगुलर बेसिस पे चेक करके देखते रहिएगा बिकॉज ये आप ही के रिजल्ट ऐसे यहाँ पे दिखा देती हूँ ये बी वाले भी यहाँ पे इस तरह से ओपन हो चुके हैं दोनों ही पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बना दी गई है यहाँ से आप अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करके देख लेना एंड जो जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी काउंसिलिंग में वो भी चेक कर लेना इसके अलावा ज़रूरी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है क्वालीफाइंग इन एंट्रेंस डज नॉट मीन एनी ऑफर इन एडमिशन ठीक है कि क्वालिफाइंग अगर आपने मार्क्स लाए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन इसी वक्त हो चुका है काउंसलिंग होती है आप जानते हैं प्रोसेस पूरा बी का पहले मेरिट लिस्ट बनती है उसके हिसाब से काउंसलिंग होती है उसके बाद आपको कॉलेजेस अलाउट किए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम पे डायरेक्टली किसी का एडमिशन नहीं होता है ओके okay? तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे इसके अलावा काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बी एड प्रोग्राम जनवरी 2021 सेशन फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी डन एट रीजनल सेंटर्स बेस्ड ऑन द रीजन वाइज क्लस्टर वाइज मेरिट लिस्ट रैंक एंड एवेबिलिटी ऑफ द सीट आप समझ गए कि बी एड प्रोग्राम जो है उसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन उनके रीजनल सेंटर पे किया जाएगा रीजन वाइज किया जाएगा उनके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा उनके रैंक और कितनी सीट्स अवेलेबल है एडमिशन के लिए इस बेसिस पे उनका एडमिशन किया जाएगा दैट्स वाई इस चीज़ ले को लेके कंफ्यूज मत होइएगा के बीएड वाले जो बच्चे हैं उनका एडमिशन पे जितना मार्क्स आया उस बेसिस पे उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा अगर उनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं तो भी दे कांट क्लेम टू एनीथिंग कि हमको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाए मेरे पसंद के कॉलेजेस में ये सब कुछ ये मेरिट लिस्ट का एक लिस्ट बनने के बाद ही किया जाएगा इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स ओके तो मैंने जैसे ही उसको ओपन किया है वो काउंसलिंग वाली पी को ऐसा कुछ ओपन होकर के आया है यहाँ पे फिलहाल एरर शो कर रहा है सो आई थिंक आपको इसको बार बार चेक करना चाहिए बी की साइट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती रहती है देख लीजिए ट्वाइस मैंने चेक कर लिया बिकॉज अभी भी एरर शो कर रहा है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी सो so फिर मैं बता देती हूँ अर्ली मॉर्निंग चेक करिएगा एंड इसके अलावा हो सकता है पोर्टल अभी वर्क होने में समय लगेगा कल ही आपका एंट्रेंस हुआ है एंड आज से पोर्टल ओपन किया गया है देन आई थिंक इसको वर्किंग आवर्स कुछ लगेंगे तो इस तरह से अपना रिजल्ट चेक करते रहना एंड अपनी काउंसिलिंग वाली जो चीज़ है उसको भी ध्यान में रखना यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग आई होप सो इसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहते हो कि जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन अलाउड है एंड कौन कौन नहीं बिकॉज अब मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ जून 2022 के एग्जामेशन को लेकर के देन मेरी इस वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा इसमें मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में प्रोग्राम कोड्स वगैरह लिख करके एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से प्रोग्राम के बच्चे अलाउड हैं कौन से नहीं जिनका बैक लग गया है जिनके एग्जाम मिस हो गए जो फेल हो गए अपने अभी दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के रिजल्ट्स में वो जो है अपने एग्जाम्स को जून 2022 में दे सकते हैं कि नहीं इसके अलावा सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वाले बच्चे जून 2022 के एग्ज़ाम को देंगे या नहीं इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ होगा एंड एग्ज़ाम कब हेल्ड किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है एंड एग्ज़ाम के लिए कौन एलिजिबल नहीं है इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक like, कौन से मोड में कंडक्ट किया जाएगा एग्जाम फॉर्म की फ़ीस क्या होती है एग्जाम सेंटर लास्ट मोमेंट में चेंज होता है या नहीं इन सारी चीज़ों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है दैट्स वाई इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ऑन एन इम्पॉर्टेंट बेसिस इट्स अ रिक्वेस्ट ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे जून दो के एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन होंगे कि नहीं तो इसका जवाब ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जब भी होने वाले होते हैं उसके लगभग फोर्टी फाइव डेज पहले एग्जाम फॉर्म को रिलीज किया जाता है एंड यहाँ डेट शीट वाले सेक्शन में एक टेंटेटिव डेट भी डाली जाती है तब जाकर के हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो अभी दिसंबर वाला ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे कोई नई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका जून 2022 एग्जाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है सो दैट्स वो यू कैन अंडरस्टैंड पहले डेट शीट आती है फिर एग्जाम फॉर्म्स आते हैं उसके बाद एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं तो अभी मे का सेकेंड वीक चल रहा है लोगों को उम्मीद थी कि मे के सेकेंड वीक तक एग्जाम फॉर्म्स आ जाएंगे जून दो के लेकिन ऐसा नहीं हो पाया एक बार ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ दो सेशन चलते हैं इग्नू में जनवरी एंड जून सेशन तो जून सेशन का फर्स्ट वीक से ही एग्जाम कंडक्ट होने लगता है लेकिन कोविड के कारण सब कुछ इधर उधर हो चुका है एंड दिसंबर वाले एग्जाम अभी मार्च अप्रैल में कंडक्ट किए गए एंड इस वजह से अभी भी एक दो एग्जाम्स uh, ये दिसंबर सेशन वाले लास्ट लास्ट मोमेंट में कंडक्ट किए गए हैं तो ये सब कुछ खत्म होगा तभी आपका जून का एग्जाम शुरू होगा सो दैट्स वाई अभी जून फर्स्ट वीक से तो आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं बिकॉज एग्जाम फॉर्म डेट शीट ये सब अपने में बहुत लंबा प्रोसीजर है समय लगेगा एंड uh, कितना समय लगेगा ये मैं आपको बता देती हूँ कि जून फर्स्ट वीक से ऐसे नॉर्मली एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं लेकिन पोस्टपोन होने की वजह से एग्जाम फॉर्म एंड डेट शीट को मिला करके जो डेट बन रही है टेंटेटिव वो है जून uh, के लास्ट वीक से जून के लास्ट वीक से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है सो so, आप अगर ध्यान से देखें तो पढ़ने के लिए आपके पास ज़्यादा समय वैसे भी नहीं है जितना uh, पोस्टपोन होने के पहले था उतना ही पोस्टपोन होने के बाद ही लगभग है दो चार दिन एक्स्ट्रा आप मान के चलिए वरना एग्जाम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है सो so, अगर पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं कि शुरू करें दे ऑब्वियसली ऑब्वियसली शुरू कर दीजिए एंड पोस्टपोन हो सकता है ना हो हो सकता है कि आपका एग्जाम फॉर्म ये देख करके कि बच्चों का एग्जाम डिले हो रहा है जल्दी रिलीज कर दिया जाए तब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा एंड एग्जाम फॉर्म जैसे ही रिलीज़ होगा आपको इस चैनल पर जरूर उसकी जानकारी मिल जाएगी उसके लिए वरिड मत रहिएगा आप अपना काम करिए आप अपनी पढ़ाई करिए आप अपने सारे असाइनमेंट्स वगैरह बनाइए इंफॉर्मेशन देना इस चैनल का काम है इस चैनल पर डिपेंडेंट रहिए वो सब चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी विथ फुल प्रोसीजर इसके अलावा याद दिला देती हूँ कि फिफ्टीथ मे है आपका असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट ठीक है जून दो हज़ार बाईस सेशन वाले बच्चे एग्जाम्स अगर देना चाहते हो देन असाइनमेंट्स भी टाइम पर सबमिट कर देना एंड स्टेटस चेक करते रहना कि सबमिट हुआ या नहीं ओके okay, इसके अलावा एक और चीज़ बता देती हूँ कि एग्जाम्स ऑफलाइन कंडक्ट होंगे या ऑनलाइन कंडक्ट होंगे तो एग्जाम्स आपके हंड्रेड परसेंट ऑफलाइन ही कंडक्ट होंगे इग्नू में ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होते हैं जब पूरे देश में ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे थे कोविड के समय में तभी भी इग्नू ने ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनकी डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी तो दैट्स वाई दे नेवर कंडक्ट योर ऑनलाइन एग्जामिशन जहाँ सारे बच्चे कुछ कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में तो ऑनलाइन एग्जामिशन जैसे नहीं होते हैं लेकिन वहाँ पे भी इग्नू ने कभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया दे वे ऑलवेज़ अबाउट ऑफलाइन एग्जामिनेशनस तो ये एग्जाम भी ऑफलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा पोस्टपोन होकर जून सेकेंड वीक तक जाएगा सो तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी क्या रहती है एग्जाम सेंटर चेंज होता है या नहीं स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी वो 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 वाली सब उस वीडियो में देख लेना इस वीडियो में आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन है सो आई गवि यू इंफॉर्मेशन अबाउट बी एड एंड बी एस सी नर्सिंग रिजल्ट ऑल्सो अबाउट जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जामिनेशन डेट शटीट सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ यू डिट देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई वी सी विद द नेक्स्ट अपडेट थैंक यू